नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नई सुबह मैथ्स ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मैं हूं अनम तारिक। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स। मैथ्स में शेप्स हमें ज्योमेट्री में काम आते हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये शेप्स कैसे होते हैं एग्जांपल्स के साथ। नंबर वन, सर्कल, CIRCLE, सर्कल। सर्कल गोल होता है, राउंड। एग्जाम्पल, व्हील, किसी भी साइकिल, कार या बाइक का व्हील गोल होता है ना, तो ये सर्कल में होता है। नंबर टू, ओवल, OVAL, ओवल। एग्जाम्पल, एग, एक ओवल शेप में होता है। नंबर थ्री, स्क्वेयर, SQUARE, स्क्वेयर। स्क्वेयर चकोर, एक बॉक्स की तरह, जिस बॉक्स में फोर एंगल्स होते हैं, यानी कि फोर साइड्स होती हैं, और ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो इसको कहते हैं स्क्वेयर। नंबर फोर, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, यानी कि थ्री कॉर्नर्स, थ्री लाइंस। इसकी एग्जांपल, माउंटेन, ट्रायंगल शेप में होता है। नंबर फाइव, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी फोर एंगल्स होते हैं, लेकिन स्क्वायर की तरह इसके चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते। इसके जो दो ऊपर और नीचे वाले एंगल्स होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और इक्वल होते हैं, और इसके राइट और लेफ्ट साइड वाले जो एंगल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसको कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एग्जांपल, जैसे चॉकलेट। चॉकलेट रेक्टेंगल शेप में होती है। मुझे उम्मीद है आपको शेप्स की समझ आ गई होगी। अब आपने मुझे बताना है कि ट्रायंगल, ओवल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन शेप्स में एक एक चीज का नाम कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।